द कपिल शर्मा शो का वीकेंड होगा और भी मजेदार जब आएंगे इंडियाज गॉट टैलेंट के जजेस मचाने धमाल। IGT का ये सीजन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, एक से बढ़ के एक टैलेंट ये लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनली जब इनको पता चला कि इंडिया का सबसे टैलेंटेड बंदा तो कहीं और है। टैलेंटेड तो ये प्राणी है ही, कॉमेडी इतना अच्छा करते, इससे बढ़िया टैलेंट है इनमें, लेकिन जानते नहीं आप उस टैलेंट के बारे में? नहीं। अरे माइंड ब्लोइंग ट्वीट करते हैं ये आजकल, लेकिन आजकल मैं कम करता हूँ। हाँ ना, ट्विटर पे देखा नहीं मैंने, क्यों? वाइन के सारे शॉप्स तो खुले हैं। ये आप आज सोच के आई मेरे पे चढ़ाई कर दी आपने? बादशाह मेरा भाई इतना टैलेंटेड आदमी, ये ना वर्कोहोलिक है, फ्री नहीं बैठते कभी। ये फ्री नहीं बैठते हैं जी, और फ्री में भी नहीं बैठते हैं जी। मतलब वो जो कुर्सी है ना, वहाँ इनको बैठाने के लिए सोनी जी ने बड़ा खर्चा किया है, आपको पता होगी अंदर की बात। मैं सुना आपकी पेमेंट भी खा गए। बादशाह ने तो आधी जायदाद भी लुटा दिया IGT पे, किसी को बहन बना लिया, किसी को मतलब पैसे दे दिए। पता चले शो के एंड तक बादशाह फकीर हो गया। इंडिया गॉट टैलेंट वाले आए हुए हैं कपिल शर्मा। इंडिया लॉस्ट टैलेंट। 9 साल हो गए हमें ये शो करते हुए, अगर इसकी ओए होए होए निकाल दो ना, इसका 3 महीने का काम बचता है। हॉर्न ओके टाटा, पिछवाड़े पे कुत्ता काटा। समथिंग समथिंग, पिछवाड़े पे कुत्ता काटा। समथिंग समथिंग, सबके यहाँ पे काट खाया, सबके यहाँ पे काटा। जिल्ले इलाही आप भी खाइए। ये वो वाले बादशाह नहीं है, ये वाले बादशाह हैं। बेटा तू तो इनके पांव छू। बाबा पांव तो मैं खुद के नहीं छू पाता। आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बहुत ही बिजी राइटर हैं। इतने ज्यादा बिजी राइटर हैं कि इन्होंने बाहुबली में सभी के डायलॉग्स लिखे, एक आदमी के डायलॉग्स लिखना रह गए। किसके? और वो आदमी बेचारा पूरी फिल्म में यही बोलता रहा, निमुंडा दोस्त।